तो हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट गाइड में। दोस्तों, अगर आपका भी व्हाट्सएप जो है बैन हो चुका है और आपके नंबर को व्हाट्सएप ने बैन कर दिया और आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट नहीं ओपन कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं चला पा रहे हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बताएंगे, जिससे दोस्तों आप कुछ ही देर में अपने बैन हो चुके व्हाट्सएप को अनबैन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अच्छे से एंड तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कभी ना कभी आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है और आपको फिर काफी ज्यादा दिक्कत होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप को व्हाट्सएप जो है क्यों बैन कर देता है और आपको क्या ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए। इससे दोस्तों फ्यूचर में कभी भी आपको इसकी टेंशन नहीं रहेगी, आपका व्हाट्सएप कभी भी बैन नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको अपने व्हाट्सएप पर क्या है जो नहीं करना है। अगर आप किसी एक ही मैसेज को, बल्क मैसेज को बार बार किसी को सेंड कर रहे हैं बल्क में, यानी कि आप उसी मैसेज को बार बार लगातार किसी को शेयर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको व्हाट्सएप जो है आपके नंबर को बैन कर देगा। दोस्तों दूसरा काम क्या है आपको नहीं करना है, मान लीजिए आप कोई लिंक है, कुछ ऐसी चीज़ है शेयर कर रहे हैं जो व्हाट्सएप को लगता है कि ये हमारे यूजर्स के लिए खतरनाक है, रिस्की है, इससे उसकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, तब भी दोस्तों आपका व्हाट्सएप जो है आपको बैन कर सकता है। तीसरा काम दोस्तों, मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ शेयर कर रहे हैं किसी को नंबर के थ्रू और वो नंबर आपके कंटेंट में, आपके फ़ोन लिस्ट में सेव नहीं है और बार बार आप उन नंबर्स पर कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, भले वो कोई अच्छी चीज़ हो, कोई जोक हो, कोई भी अच्छी सी फ़ोटो हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नंबर आपके फ़ोन के कंटेंट में सेव नहीं है और आप कई लोगों को बिना नंबर सेव किए लगातार सेंड करते हैं, तो दोस्तों व्हाट्सएप आपको बैन कर देता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अब दोस्तों फिर भी अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो चुका तो कैसे आप अपने बैन हुए व्हाट्सएप को अनबैन कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने बैन हुए व्हाट्सएप को अनबैन करना है। तो दोस्तों आ गया हूं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यहां पर आप इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको नाइस टिक लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों बैक आना और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उन सभी के पास व्हाट्सएप पर दोस्तों शेयर जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग इस ट्रिक को जान पाएंगे और इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर आपका भी व्हाट्सएप बैन हो चुका है तो दोस्तों आप कैसे अपने व्हाट्सएप को कुछ ही घंटों के अंदर अनबैन कर सकते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, आपको क्या करना है कैसे करना है ये जानने के लिए दोस्तों अब आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आप जब अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लेना है और दोस्तों गूगल में आपको जाना और सर्च करना है व्हाट्सएप सपोर्ट। तो इस तरीके से आपको व्हाट्सएप सपोर्ट लिख के सर्च कर लेना है। अब दोस्तों आप जैसे व्हाट्सएप सपोर्ट लिख के सर्च करें तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप का आपको मिल जाएगा फर्स्ट लिंक, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट्सएप मैसेंजर, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस पर सेलेक्ट करना है इस तरीके से। अब दोस्तों आप जैसे कॉन्टैक्ट अस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अब आपको क्या करना है तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल डालना है और ईमेल कंफर्म करना है और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी। चलिए मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। अब दोस्तों अपना नंबर और ईमेल यहाँ पर आपको डालने के बाद अब हाउ डू यूज व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप कहाँ पर चलाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप एंड्रॉयड में चलाते हैं, आईफोन में चलाते हैं, आप जो भी चलाते हैं, तो जैसे कि मैं एंड्रॉयड में चलाता हूँ तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पर सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर दोस्तों आपको एक मैसेज टाइप करना है। तो दोस्तों अब आपको मैसेज में क्या लिखना है, तो मैंने दोस्तों एक नोट बना के रखी है, तो मैं यहां पर आता हूं और अपनी नोट को ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों मैं जैसे नोट को ओपन करता हूं तो यहां पर दोस्तों आप देखते हैं मैंने इस नोट को जो है बनाया हुआ है और अब मैं इस नोट को जो है कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर आपको इस नोट को कॉपी कर लेना है। अब दोस्तों यहां से आपको बाहर निकालना है और एक बार फिर से आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पर आकर आपको इसे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों
यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि डियर व्हाट्सएप सपोर्ट टीम, आई हैव टेक ए न्यू नंबर एंड द नंबर इज शोइंग बैंड एंड आई एम नॉट एबल टू ओपन माई व्हाट्सएप, सो प्लीज चेक आवर नंबर एंड रिमूव दिस प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये बताया है कि हमने जो WhatsApp पर एक नया नंबर लिया है और मैं अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो वो बैन बता रहा है। तो मतलब WhatsApp को लगेगा कि यार हमने नया नंबर लिया है या कोई नंबर दूसरा चला रहा था तो उसने कुछ गड़बड़ी किया होगा और आपको WhatsApp जो है अनबैन कर देगा। तो अब आपको नेक्स्ट सेटअप पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे सेंड कर देना है। अब दोस्तों आप जैसे सेंड करेंगे बस दोस्तों आपका काम हो चुका है, योर क्वेश्चन हैज़ बीन सेंड। तो बस दोस्तों आप कुछ ही घंटे के अंदर आपका WhatsApp जो है वो अनबैन हो जाएगा और आपकी टीम WhatsApp की टीम जो है इसे रिव्यू करेगी और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप के व्हाट्सएप को कुछ ही घंटों के अंदर अनबैन कर देगी। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल तरीका है, आप लोग इस तरीकों को ज़रूर सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इन फ्यूचर कभी न कभी हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।